इंसान का दिल एक यानी कि एक वर्ष में कितना बार धड़कता है? सबसे अधिक टीबी किस देश में देखा जाता है? बाएं हाथ से कितने व्यक्ति हैं जो खाना खाते हैं? इन सभी का आपको जवाब इस वीडियो का अंत तक बने रहिए, आपको सारे के सारे जवाब मिलेंगे। किस देश का व्यक्ति जो कि अधिकतर समय वह टीवी दिखाने में यानी कि टीवी देखने और बच्चों का दिखाने में वह व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण उनका आधा जिंदगी है, जितना इंसान का जिंदगी होता है उसमें से आधा जिंदगी टीवी देखने और दिखाने में खत्म कर चुके हैं और करते हैं वहाँ के व्यक्ति? अमेरिका, यानी अमेरिका देश के जो व्यक्ति हैं वह अपने जिंदगी का आधा हिस्सा टीवी देखने और दिखाने में खत्म कर। दोस्तों, आपने और हम लोगों ने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि पूरे वर्ल्ड में बाएं हाथ से कितने व्यक्ति खाना खाते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाएं हाथ से कितने व्यक्ति लिखते हैं, तो मैंने अगर पिछले वीडियो आप देखे तो उसमें अनुमान लगा सकते हैं 11% लगभग 11% व्यक्ति है जो बाएं हाथ से लिखते हैं। तो जो बाएं हाथ से व्यक्ति लिखते हैं वो भी तो बाएं हाथ से ही खाना खाते होंगे। जी हाँ, यानी कि 11% बाएं हाथ से लोग खाना खाते हैं। जैसे कि अगर कोई गाना आप सुन रहे हैं, कोई इंसान है वह गाना सुन रहा है या कोई भी जानवर है, जिस प्रकार से गाना सुनेगा उसको उसी प्रकार से दिल क्या धड़केगा? आप लोग कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, दिल का गति होगा धड़कने का। लेकिन नहीं, आप अधिक डीजे का मात्रा में गाना सुने तो आपका जो दिल का धड़कन है वह अधिक तेज होता है, और आप स्लो मोशन में सुने तो आपका स्लो होगा, आप मोबाइल से सुने तो कम होगा, और आप डीजे सुनेंगे तो आपका दिल का धड़कन अधिक। जैसे कि आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि किस समय पर अधिक आप सपने बुरे देखते हैं, बुरे यानी कि भूत प्रेत डायन इन सभी का जो सपना होता है किस समय देखते हैं? आप ऐसा सपना क्यों देखते हैं? जब अगर ठंड यानी कि सबसे अधिक ठंडे जगह पर सोएंगे, यानी कि द्वार पर या जाकर किसी गाछ वृक्ष के पास आप सोएंगे, तो आपको बुरे से बुरे सपना अधिक मात्रा में दिखने का मिलता है। क्या आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि जो बच्चे होते हैं उस बच्चे को कितने समय तक ले पता नहीं चलता है कि मैंने खट्टा सामान खाया, मैंने नमक वाला अधिक खाया, मैंने मीठा सामान खाया, कोई मीठा पदार्थ खाया है? आपको कब तक पता नहीं चलता है, यानी कि बच्चे को कब तक पता नहीं चलता है? वह 3 से 4 यानी कि लगभग 4 साल के करीब तक उसे पता ही नहीं चलता है कि मैंने अधिक नमक वाला खाया है और खट्टा खाया और मीठा खाया, पता नहीं चलता है लगभग 4 साल के। कोई भी व्यक्ति का जो डिप्रेशन अवस्था होता है यानी कि मानसिक संतुलन अधिक बार खोने की संभावना होता है, लगता है कि मुझे अधिक टेंशन है, मुझे डिप्रेशन में जा रहे हैं, वह किस समय से यानी कि किस उम्र से लेकर किस उम्र तक ले सभी व्यक्तियों को धरता है? आप लोग कहेंगे कोई उसका उम्र लिमिट नहीं होगा, लेकिन उम्र लिमिट है 18 से लेकर 33 वर्ष के अवस्था में जितना भी इंसान है उसको अधिकतर मात्रा में डिप्रेशनों का सामना करना पड़ता है, जो कि 18 जैसे कि कोई जीव जंतु मनुष्य है। लेकिन आपने कभी अनुमान लगाया यानी कि बात किया है कि जो मनुष्य अपने बच्चों को अधिकतर खा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जीव जंतु में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर मात्रा में कौन सा जीव जंतु में? जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, यानी कि पानी में जो जीव जंतु रहते हैं वो अधिकतर अपने बच्चे को खा जाते हैं। आप लोग देखे होइएगा जो मेढक होता है वह पानी में कितने अधिक मेढक होता है, लेकिन जब बड़े होता है तो कुछ ही मेढक बचता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को खाते हैं। ऐसा ही वीडियो के लिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि प्रधानमंत्री आजकल कह रहे हैं कि कैशलेस दुनिया मैं पूरे दुनिया को यानी कि भारत को कर दूंगा कैशलेस दुनिया, लेकिन आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं या क्या आपने आप से बात किए हुए हैं कि पहली बार कैशलेस किसके माइंड में यानी कि किस देश के माइंड में आया कि पूरे दुनिया को कैशलेस बनाया जाएगा, मोर देश को भी कैशलेस बनाया जाएगा? जी हाँ, स्वीडन। स्वीडन जो है, स्वीडन देश वह पहली बार कैशलेस दुनिया को बनाना चाहा और अपने आप को पूर्ण रूप से कैशलेस के रूप में ढाल चुका। जो व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति को प्यास लगता है, जैसे कि पानी लगता है कि हमको पानी पीना चाहिए, वाटर पीना चाहिए, ड्रिंकिंग करना चाहिए, लेकिन किन समय क्यों उसको प्यास लगता है आप जानकर चौंक जाएंगे। 1% आपका जो पानी है वह हिस्सा कम हो जाता है। लेकिन मृत्यु कब होता है प्यास के कारण? जब आपके शरीर से मात्र 10% जो पानी का मात्रा है वह कम हो जाता है, जिसके कारण आपको मृत्यु हो जाता है, मात्र 10% पानी कम होने के कारण, और 1% पर प्यास। ऐसे ही बेटा, कितने ऊंच से कूद सकते हैं तो आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि मैं कितने ऊंच से कूद सकता हूँ, लगभग वही 5 फीट 10 फीट से कूद सकता हूँ, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो चूहा है रैट, वह कितने ऊंच से कूद सकता है, उसको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह लगभग 5 मंजिल से 6 मंजिल ऊंचे से कूद जाएगा तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यानी कि उसे चोट नहीं लगेगा, नहीं फूटेगा, कुछ भी दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ओम बाय गॉड, चूहा कितना अच्छा जीव है। जी, ऐसे ही वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।